सिंगर नेहा कक्कर की जिंदगी में अचानक से उथल पुथल मच गई। जिन लोगों के मुंह पर नेहा का नाम था वही लोग नेहा को बुरा भला कह रहे हैं। नेहा अब सिर उठाकर चलने लायक नहीं बची। यूं कहें कि रोहन से शादी करते ही उनकी जिंदगी में आतंक मच गया। हम आपको नेहा की पूरी कहानी बताते हैं, जिसे सुनकर हर कोई सदमे में है। नेहा के परिवार वाले भी उदास हैं। नेहा की इस हरकत को जानने के बाद आप भी उन्हें लेकर कमेंट जरूर करें। दरअसल नेहा कक्कर ने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर जो मजाक बनाया वो किसी को पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि स्टार्स के लिए ये सब चीजें आम होती हैं, लेकिन नेहा तो उस घर में पैदा हुई है जहां वो माँ की ममता और प्यार को अच्छी तरह से जानती और समझती है। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि नेहा भी माँ जैसे शब्द से खिलवाड़ और मजाक करेंगी, और कोई करता तो चलता भी, लेकिन नेहा पर ये सब शोभा नहीं दिया। नेहा अच्छी तरह जानती है कि माँ बनना दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होता है, ऐसे में उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का मजाक नहीं बनवाना चाहिए था। ये सब नेहा ने अपने गाने के लिए किया। जी अपना ख्याल रखा कर गाने में नेहा प्रेगनेंसी का रोल कर रही है। ऐसे में उन्होंने अपने बेबी बम को प्लॉट करते हुए फोटो अपलोड कर दी। उसके बाद रोहन प्रीत ने भी उस फोटो पर कॉमेंट करते हुए लिखा, अब तो ज्यादा ख्याल रखना होगा। इतना ही नहीं, उनके भाई टोनी कक्कर तक ने लिखा कि मैं मामा बनने वाला हूँ। इन सब के बाद तो लोगों को यकीन ही हो गया था कि नेहा कक्कर सच में माँ बनने वाली हैं। लेकिन बाद में नेहा ने अपने गाने की फोटो शेयर की, उससे पता चला कि नेहा की प्रेगनेंसी वाली फोटो उनके गाने का हिस्सा है। कुछ स्टार्स तक ने नेहा की इस घटिया पब्लिसिटी का विरोध किया। इतना ही नहीं, लोग ये तक कह रहे कि नेहा के लिए उनके दिल में बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा इज्जत थी, लेकिन अब नेहा की ये हरकतें देखकर उनके दिल से नेहा उतर चुकी हैं। कुछ लोगों ने नेहा के गाने को बॉयकॉट करने की मांग कही है। कुल मिलाकर नेहा अपने फैंस की नजरों में गिर चुकी हैं। नेहा ने फैंस के दिलों में जो खास जगह बनाने में 25 सालें लगा दी, वो नेहा इस घटिया हरकत की वजह से एक झटके में अपने फैंस की नजरों में गिर गई। नेहा की इस खबर से उनके घर वाले भी घबराए हुए हैं। रोहन प्रीत का भी बुरा हाल है। कुछ लोग तो अब रोहन प्रीत को भी दोष देने लगे। लोगों का कहना है कि नेहा ना ही रोहन से शादी करती और ना ही उन्हें ये दिन देखने को मिलता। नेहा की बचपन से की गई मेहनत पर पानी फिर चुका है। तो नेहा की इस फेक पब्लिसिटी पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या नेहा को अपने गाने के लिए ऐसी घटिया पब्लिसिटी करनी चाहिए थी? क्या नेहा ने वाकई में माँ जैसे शब्द का अपमान किया? नेहा कक्कर की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर हर कोई शॉक्ड है। जिस तरह से नेहा कक्कर ने चट मंगनी की और पट बिहार रचा लिया, अपने रिलेशनशिप की कानों कान किसी को खबर तक नहीं होने दी, उसी तरह से उन्होंने झटपट प्रेगनेंसी की खबर से हर किसी को शॉक्ड कर दिया। बेशक नेहा के परिवार में खुशियों का माहौल होगा, लोग जश्न मनाने में लगे होंगे, लेकिन रोहन प्रीत खुश नहीं होंगे, क्योंकि कपिल के शो में रोहन प्रीत कह चुके हैं कि वो अभी खुद बच्चे हैं तो शादी का विचार तो कर ही नहीं सकते। जी हाँ, कपिल के शो में नेहा रोहन ने बताया था कि नेहा शादी के लिए तैयार थी, लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं थे। नेहा अपनी उम्र की वजह से रिलेशनशिप में ना रहकर सीधे शादी करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये बात रोहन से साफ कह दी थी, लेकिन रोहन प्रीत ने उस वक्त शादी के लिए मना कर दिया था। रोहन ने कहा था कि उनकी उम्र अभी शादी वाली नहीं है। खैर, जैसे तैसे रोहन अपने आप को रोक नहीं पाए और वो बिना नेहा के रह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उसी रात शादी का फैसला कर लिया। और फिर क्या, इनकी झट मंगनी पट ब्याह हो गया। अभी इनकी शादी के 2 महीने भी नहीं हुए कि नेहा रोहन पेरेंट्स बनने जा रहे हैं, और ये रोहन के लिए बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि जहां रोहन शादी के लिए इनकार कर रहे थे और अब वो पिता बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में रोहन के लिए ये बहुत ही बड़ा फैसला है। क्या वो नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर खुश हैं? वैसे आपको नेहा की प्रेगनेंसी को लेकर क्या कहना है, कॉमेंट करके जरूर बताएं। नेहा रोहन की जोड़ी को देखकर भले ही लोगों ने इनकी उम्र को लेकर बातें बनाई, लेकिन इनका प्यार इतना मजबूत दिखा कि उम्र का फासला खत्म ही हो गया। वैसे तो रोहन प्रीत शादी के मूड में नहीं थे, लेकिन नेहा के कहने पर रोहन ने नेहा से शादी की, ऐसा खुद रोहन प्रीत ने कपिल के सेट पर कहा। रोहन प्रीत ने कहा कि हम अगस्त के महीने में नेहू द विवाह के गाने की शूटिंग पर मिले थे।
हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रोहन प्रीत ने कहा कि मैं नेहा से बात करना चाहता था, लेकिन इतना सब हो जाएगा, हम दोनों को इसकी कभी उम्मीद तक नहीं थी। नेहा की आदतें रोहन को इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वो सेट पर ही उन्हें दिल दे बैठे थे। दोनों ने एक दूसरे से कुछ दिन बात की, दोनों को एक दूसरे की आदतें बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी, जिसके बाद रोहन ने हिचकते हुए नेहा से स्नैपचैट आईडी ली। नेहा ने बिना कुछ सोचे समझे रोहन से बातचीत करना शुरू कर दिया। रोहन ने जब नेहा को प्रपोज किया तो वो खुश तो बहुत हो गई थी, लेकिन वो सोच में पड़ गई थी, क्योंकि नेहा शादी करना चाहती थी और रोहन शादी करना नहीं चाहती थी। अब वो कोई रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि नेहा को अपनी उम्र की भी चिंता हो रही थी। तो कपिल शर्मा शो में नेहा ने बताया कि वो शादी करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुल हैं और उनके पास सब कुछ है, तो वो ऐसे में रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोहन शादी के लिए तैयार नहीं थे। नेहा ने बताया कि रोहन प्रीत सिंह ने उनसे कहा कि अभी सिर्फ 25 साल के हैं, तो ऐसे में उनकी उम्र शादी के लायक नहीं है। फिर एक रात रोहन प्रीत ने नेहा से कहा कि उनके बिना वो रह नहीं पाते हैं, चलो शादी कर लेते हैं। रोहन प्रीत ने ड्रिंक की हुई थी तो नेहा को लगा कि वो अगले दिन सब भूल जाएंगे, लेकिन रोहन सीरियस मूड में थे। नेहा ने आगे बताया कि वो दूसरे दिन शूट के लिए चंडीगढ़ पहुंची थी। रोहन प्रीत होटल से आए और उन्होंने शादी की बात फिर से याद दिलाई। इसके बाद नेहा ने रोहन से कहा कि मेरी मम्मी से मिल लो। दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स से मिले, फिर इनकी शादी तय कर दी गई। नेहा ने बताया कि उनकी माँ को रोहन प्रीत की स्माइल बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। उन्होंने आगे कहा कि उनके और रोहन प्रीत के पेरेंट्स ने उनकी शादी को लेकर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। दोनों की फैमिली बहुत ज्यादा खुश है। कपिल शर्मा ने नेहा से पूछा कि क्या तुमने अपनी शादी में परफॉर्मेंस करने के लिए ससुराल वालों से फीस ली थी। कपिल के इस मजाकिया क्वेश्चन पर पहले तो नेहा रोहन खूब हंसे। उसके बाद नेहा ने ससुर जी के लिए कहा कि अगर मैं परफॉर्मेंस के लिए उनसे फीस भी मांगती तो वो उससे भी पीछे नहीं हटते, साथ ही अपनी दुआएं भी देते। तो नेहा और रोहन की जोड़ी को लेकर आप भी एक कमेंट जरूर करें। नेहा कक्कर शादी के बाद काम पर ऐसी लौटी कि वो घर में एक दिन भी नहीं रुक रही है। यूं कहें कि उनके सेलिब्रेशन थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। बीते दिन उन्होंने पति रोहन प्रीत का रोमांटिक अंदाज में बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था कि अब वो अपने गाने के प्रमोशन में लग गई। जी हाँ, नेहा कक्कर अपने और टोनी के नए गाने शोना शोना का प्रमोशन करने में जुटी हैं। ऐसे में वो पहले सलमान खान के शो बिग बॉस 14 में पहुंची, जहाँ सलमान खान ने उनके साथ खूब मस्ती की। वहीं अब नेहा कक्कर अपने पति रोहन प्रीत के साथ द कपिल शर्मा शो में पहुंची। यहाँ तो नेहा ने अपनी शादी के ऐसे खुलासे किए जिसे सुनकर हर कोई लोटपोट हो गया। खैर, ये तो सब बातें अगले एपिसोड में आपको सब दिख जाएंगी, लेकिन इस वक्त नेहा ने जो फोटो शेयर की है उसकी खूब वाहवाही की जा रही है। नेहा कक्कर ने रोहन प्रीत सिंह के साथ फोटो शेयर की जिसमें वो रोहन के साथ द कपिल शर्मा शो का कॉफी मग लिए पोज देती नजर आ रही हैं। साथ ही वो अपने पति के लिए प्यार भी जाहिर कर रही हैं।